उठाओ, उठ जा राजे, के शाम हो गई। गाड़ी गाइस, मेरे रूम में जो नपुंसक है साले, उनमें जान नहीं है इनकी बॉडी में। अबे तो मैं दे दूंगा, कितने लेंगे ऑटो को? मैं दे दूंगा महंगा देता ब्रो। 20-30 रुपए लगते हैं। कौन बोला मिस्टर? शर्त लगा रहे। अबे मैं जा रखा हूँ भाई, मैं घूम रखा हूँ उदयपुर पहले से ही, मेरे को नहीं पता भाई। मैं गार स्टेट कवर कर रखी है तेरे भाई। तो भाई मैं छुट्टी वाले दिन भी झाड़ू लगा रहा हूँ, और बाकी कोई नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता। आप देख भी सकते हो, सिगरेट ही साले पीते हैं हरामी। मैं कसम से मैं इनकी झाड़ू लगा रहा हूँ, और मेरे बेड के नीचे रख रखा है इसने कूड़ा। ये हरामी, ये भी जाने वाला है, 2-4 दिन का मेहमान है, ऊपर नहीं मतलब रूम से जाने वाला है। और ये इसे पाइल्स है। मजा किस चीज? हाँ, ये जब जाएगा ना हरामी, हराम का खाता होगा भाई, हराम का खाता है भाई। हमने दाल मखनी मंगाई और भाई इसने हाथ मार दिया, पैसे हम दोनों ने मिलाए पर भाई हाथ इसका गया ऐसे। तो यार साफ सफाई, यार छुट्टी भी अपनी बताओ क्या करे, करनी है रूम की क्लीनिंग है? ये तो अपने रूम का बनाई कर रहेगा। पता मना क्यों कर रहे हो? रीजन रीजन क्या मना क्यों कर रहा है? सफाई के लिए मैं कर दूंगा। सफाई और खाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, ठीक है? अभी मैंने देख सफाई करी वीडियो बनाने के लिए, मैंने 2 कदम एक झाड़ू लगाई 2 सेकंड के लिए और कंटेंट बना दिया तेरे में। तो दिमाग लगाओ राजो, वन द सोल्जर ऑलवेज द सोल्जर। बोलो ना, ये साफ सफाई होगी, अच्छा रहेगा। लगाएगा इधर झाड़ू लगा दे, सिर्फ पानी डाल के ये तो है। खड़े ये भी खड़े ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। सिर्फ 2 मिनट खड़े कर दे, इधर बैठ जा तू, इधर सारा निकल जाएगा, पोछा मार के क्लीन हो जाएगा। हो जाओ खड़े। और तुम अपना बैग ना, ये तुम अपने बैग इधर लगाओ। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तुम अपने दोनों बैग ना इधर सेट करो सामने, बिल्कुल फ्रंट में। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, बताओ क्या? मैं 14 घंटे काम करके मैं अभी जगा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा, तब भी सो रहा है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन में ज्यादा नींद आती है आदमी को, ये तो मेडिकल प्रॉब्लम है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बकचोदी कर रहा हूँ। सो मेरे को क्या है, मैं बोल तो तेरे जाओ जाने पर ये हटाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे निकल जाएगा ना बंदा। तो बाबू मैं हां सही बोलो, गलत बोलो? भाई हमारा रूम जो है गंदा पड़ा था, तो ये जो बिस्तर में बैठ रहा है तो ये कह रहा है हम लोग नहीं गंदा करते, मेरा जो रूममेट है, आप लोग हमारे रूम में आते हो तो सिगरेट वगैरह फेंकते हो, तो इसने मुंह पे बोल दिया। चलो ठीक है, आज की बात तुम्हारे रूम में आ गई, तुमने बोल दिया, अच्छी बात है। हाँ, क्लियर कट बात कर दी। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक अपन को समझ नहीं आएगा। नहीं क्लियर बोल दिया उसने, आज क्लीनिंग कर लो, कल से तुम्हारे रूम में कोई नहीं आएगा। सुनो प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी जाओ एक ताला लियाओ, 3 चाबी रख लो तुम तीनों के अलावा रूम में। फिलहाल जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद एक ताला मार देना, ताला दे दूंगा, 3 चाबियाँ हैं, तीनों अपने पास रखना। पर जब तक बोलोगे नहीं, समय समझ में नहीं आएगा जब ये। हाँ, अब दूसरी बात भाई, मेरे रूममेट ने ये छेड़ दी कि अब हमारे हमें मिल रखा है छोटा कमरा, और इनके पास है दूसरे बंदे के पास बड़ा कमरा, तो ये कह रहे हैं कि हम 2 ही बंदे रहेंगे, 3 बंदे नहीं रहेंगे इस रूम में। तो 3 बंदे हैं तो यार, 3 बंदों को कितनी देर लगेगी? अरे जा रहे हैं ना छोड़ के। 2 बंदे वैसे तो अच्छा होता है, खराब है सबका। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना जब कोई रहेगा जब। पेज पे चार है, चार पे ही है।
क्योंकि भाई मैं ऐसे ही बार ऐसा ही नहीं है तो सही है अपने ऐसा ही अलग ही है ठीक है अपन समझते हैं इंसान इंसान को नहीं समझते इसको समझते हैं यार अपने लोग ही अपने को नहीं समझते ले अगर तो रुमाल नहीं कौन दवा के ठीक है वैसे अपन अपना ग्रुप को पानी पानी ने अंदर बैठ के नीचे रुमाल ही होता बोलो डरो मत बोलने में बोलो भैया ये प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट आउट करो अपना गाड़ा वाले डरता है डरता क्यों अबे इसको ठिकान में डरने का नहीं बिल्कुल जो है भाई बच में बोल दिए गए निकाल दिए गए गांव भर के रहने का हां गांव में क्यों तू चला जाएगा मैं चला जाएगा तू याद तो रखेगा संबंध में बोले थे किसी बहन के लिए कोई तो आप मतलब एक दिन आदमी चले जाओगे ना चलता आप चलो याद रहेगा तुझे कि संबंध में बोले थे कि डर के नहीं रहने का क्या बोले थे डर के नहीं रहने का कहीं भी रहो दुनिया में डर के नहीं रहने का जैसे कि आप 5 तारीख चले जाओगे ना कुछ भी हुआ तो सही में बस 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 बहुत हो गया आ जा ला बैठ जाए इतना छात्र ठीक कर ले बढ़िया से चलो भाई मैं तो पर यार बहन मेरी यार मैं मुझे को समझ नहीं आता मैं सिगरेट नहीं पीता बट मेरे बेड के नीचे सिगरेट और ऐश कैसे आ जाती है ये और दो हराम की तूने नहीं फेंकी कल ही फेंकी है मेरे सामने अबे रहन दे इतना मैंने सलावा के होके सामने झूठ बोल रहा है कल रात को कौन पी रहा था जो एक बजी थी वो भी था तो एक बजे मैंने पिया अबे तो किसने पी किसने पिया मैंने ये किस किया है गाली चढ़ा दे चल गाली चढ़ा दे ये किस पे गाली चढ़ा दे जैसे पी है हैं हाथ से पिया और किससे पिया अब तूने पी नहीं पी वो तो ले गया था दो इसके दो सिगरेट लेगा डब्बे से अब तो एक तो बची थी पता नहीं ये बोलूं उसे जाके बोलूं कि आप ऐसा करते हो आगे तो यार डांट डांट तो मुझे पीछे हाँ हाँ वंस वंस ही लेफ्ट आवर रूममेट देन वी विल हाँ हाँ नहीं यार बस ये साइड का साफ कर दूंगा आज है ना चल रहा है शाम को मजाक सो रहा है यार भाई चलेगा नहीं मजाक छट के पांच बज गए फतेह सागर नहीं जाएंगे पैलेस जाएंगे पैलेस बढ़िया रात को देखने के लिए कौन सा पैलेस उदयपुर पैलेस अबे जहाँ से पूरा लेक व्यू आता है हैं तो क्या अंदर ले लियो फिर टिकट 500 रुपए की 400 रुपए की फालतू में अब तो 30 रुपए लगेंगे तेरे अकाउंट में कितने हैं ब्रो हाँ क्या कह रहे हैं नहीं जाएगा जाएगा बोल रहा है अब तो तू क्यों नहीं जा रहा
तू नहीं चलेगा? हाँ तो शाम को चलेंगे 6 बजे, 6:30 पहुंच जाएंगे, 7:30 घूम के पार्क जाएंगे। पार्क यहाँ का फतेह सागर का वहाँ का पार्क बाहर रोड पे निकल के मेन रोड से 20 रुपए लेगा, 10-15 रुपए बस। रेडिसन ब्लू नहीं, पीछे रास्ता जो जा रहा है जाने का, हाँ पीछे वाला, यहाँ से निकल के मेन रोड से 15 रुपए लेगा जाना और 15 आना एक बंदे का। बाकी कल मैं स्कूटी रेंट कर लूँगा, जो स्कूटी ले रहूँगा 10-12 हज़ार की, बता मतलब सेकेंड हैंड अपने काम भी आएगी, बता ठीक है। चलो वेज मंच क्या मंगा रहा है? वेज और हक्का नूडल। हक्का नूडल है ना? हाँ इतना हाँ तो मंगा लेना एक। इसमें तो फ्री होना चाहिए ना, दूसरा मैं वाला फ्री होना। अबे तो सबसे बढ़िया वो मंगा लेना कॉम्बो वाला बर्गर, बर्गर एक के साथ एक फ्री नूडल। पेट भी हो जाएगा, पेट तो मैदा है चिपक जाएगा, बर्गर खा ले इससे बढ़िया चिपकेगा तो नहीं, अभी पेट के अंदर मर तो मंगा ले एक फिर निकल जाएगा। ये एक यार ये चूतिया है भाई का सबसे जो गंदे इंसान है यार ये। सिगरेट सिगरेट बहस किया 24 घंटे सिगरेट। मेरे माल जो चाऊ चा दिल्ली आंदा सिगरेट है रुकी नुन्ना तंत है कि सिगरेट मत है सिगरेट आ रू मंगा ले फिर हक्का नूडल मंगा ले, तेरे में से 2 चम्मच खा लूंगा। हां अच्छा तेरे को चाउमीन नहीं खा, चाउमीन नहीं शेयर करनी? चल मत, हाँ तो साथ में ही खाऊंगा तेरे, तू मंगा तो ले ऑर्डर, मैं तेरे साथ ही खा लूंगा। क्या करना है बता? ठीक है मैं ऑर्डर कर रहा था। चल मंगा दे भाई, मैं दे दूंगा पैसे। क्यों दे दूंगा? तेरे तू तेरे को पसंद नहीं है ना शेयरिंग, बट मैं जब मंगा दूं तब बहन से 10 हाथ आगे आ जाते हैं। अब मजाक कर रहा हूँ, सोच ले ठीक है, जब ऑर्डर आ जाए तो बता दियो खाऊं ना खाऊं, ठीक है चल आ जाओ। मतलब अभी चल रहा है, क्या कह रहे हो हैं? ओ भाई साहब ये देखो भाई, क्या कह रहे हो? तो भाई आज बॉयज क्लीनिंग चल रही है, साफ सफाई, क्योंकि भाई हमें साफ सफाई में रहना पसंद है। कुछ कह रहे थे बताओ? हाँ होटल में भी, बट यहाँ पे है कि मतलब जो वहाँ 100 रुपए भी मिलते हैं दिन के, यहाँ पे वो भी नहीं मिल रहे 9 घंटे। मुझे तो मिलते 500 रुपए दिन के। अच्छा मैं तो हमारे तो कम है इनसे भाई। भाई घर पे एक भी कपड़ा ना उठाने और कपड़ा ना धोने और बर्तन ना धोने वाले आज लड़के आज बाहर आके कपड़े भी धो रहे हैं और साफ सफाई भी कर रहे हैं। माँ तेरे बच्चे बड़े हो गए, माँ तेरे बच्चे बड़े हो गए, माँ तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए हैं। बोलो ना इसका मूल ये